नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ खास अतिथि है डीआईडी सफीउल हक जी। सर, आपका सरल भारत पर बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। जी। मैं दर्शकों को अपने बताना चाहूंगी कि सर इससे पहले एसपी थे और ये जहां से बिलोंग करते हैं वो अररिया का एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत पलासा जिसे कहते हैं। शुरुआती सफर इतना आसान तो नहीं रहा होगा। जी जी, हम सर से जानना चाहेंगे सर के शुरुआती सफर के बारे में एवं उनके संघर्ष के बारे में। उसके बाद फिर हमारी चर्चा का विषय होगा पुलिस तंत्र और चुनौतियां। जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। वो बीच में यस जी सर। मेरी मैं शुरुआत तो गांव चाहूंगी से हुई। चैटपुर मेरा गांव है, छोटा सा गांव है। और इसके जी बाद हम लोग शहर में आ गए, अररिया शहर में आ गए। जब मैं 9 साल का था, पढ़ाई वहीं पर आजाद एकेडमी से हुई। उसके बाद मैं मैट्रिक करने के बाद आ गया पटना, पटना कॉलेज से मेरी आगे बीपीएससी किया था। उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे इलाके के लोग पुलिस में नहीं होते हैं, बहुत कम, रेयर, 1000 में 1 आदमी भी नहीं होते हमारे यहाँ के। तो पुलिसिंग हम लोगों के इसमें ब्लड में और इलाके में सब चलती नहीं है। बट मुश्किलें आई, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। मेरी पोस्टिंग जो है शुरुआत से ही चैलेंजिंग रही है और आज तक रही है। मैंने शुरुआत की थी मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर में मैं था। आज भी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ का कोई भी डिस्ट्रिक्ट इससे चैलेंजिंग नहीं है, नॉर्थ बिहार का। अगली पोस्टिंग मेरी हुई गोपालगंज, और गोपालगंज में मैं बहुत ही टर्मोइल के टाइम में था। किडनैपिंग वहां बहुत ज्यादा थी, एकदम रैम्पेंट किडनैपिंग थी। लेकिन 6 महीने के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया किडनैपिंग पे। अगले साल, सिर्फ साल भर में एक किडनैपिंग हुई, वहां मैं रहा। उसके बाद 2 साल मैं स्पेशल ब्रांच में रहा। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई बाढ़ में। बाढ़ बिहार का सबसे चैलेंजिंग पोस्ट रहा है, उससे टफ कोई भी पोस्ट नहीं रहा आज तक। मैं वहां रहा 2 साल और मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, आज जितने बड़े नाम हैं, सूरजभान सिंह, नागा सिंह, अनंत सिंह, सब पर हमने कार्रवाई की है। और कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं बचा जो ये पकड़ा नहीं गया, या मारा नहीं गया, या सरेंडर नहीं किया। तीन चीज में एक हालत अवश्य बनी, ऐसी नहीं रही कि नहीं वो एट लार्ज रह गया। फिर डिफरेंट पोस्टिंग्स भी, समस्तीपुर में मैं रहा, उसके बाद फिर औरंगाबाद छोटा सा पीरियड, फिर उसके बाद सीआईडी, उसके बाद से मैं एडिशनल एसपी बना, गया में रहा जाकर 2 साल। फिर यहाँ जब ट्रेन में अटैक हुआ जमुई में, तो मैं जमुई में था, मुझे भेज दिया गया जमुई में। यहाँ भी अच्छा पीरियड रहा। फिर मैं अरवल एसपी बना, अरवल एसपी के बाद बीएमपी 1, बीएमपी 1 के बाद बगहा एसपी, फिर बीएमपी 11 जमुई, और उसके बाद बीएमपी 6 मुजफ्फरपुर। उसके बाद मैं डीआईजी बन गया, आईबी डीआईजी मुंगेर में। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी पोस्टिंग मुंगेर में हुई है डीआईजी पद पर और सरल भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी नववर्ष मंगलमय हो, क्योंकि मैं 1 जनवरी को ही मूव किया था, इधर आकर ज्वाइन किया था, इसलिए ये ग्रीटिंग्स मैं ज्यादा दे नहीं पाया। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जी, आगे बताएं। जी सर, जैसे कि आपकी शुरुआती पढ़ाई अररिया से ही हुई, उसके बाद आपने फिर पटना जा करके फिर पढ़ाई की, तो यूपीएससी के बारे में यदि बात करें तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? ऐसे शुरुआती पढ़ाई जिस तरह से अररिया से हुई, तो उस समय जैसे आपने कहा कि पुलिस बनने का सपना वहां पर बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो ऐसे जगह से, तो आप हमें बताएं कि क्या प्रेरणा स्रोत रहे जिससे आप यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए और आगे इस प्रकार सफल रहा? देखिए, मेरे साथ शुरू में क्या था, मैं बहुत ही दुबला पतला सा बच्चा था, बहुत ही दुबला पतला। लेकिन मेरे अंदर में एक ये चीज थी, मेरा ईमान था
कि कोई किसी पर अन्याय करता था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, मेरे बदन में ताकत नहीं थी, इसलिए मैं भगवान से कामना करता था कि मुझे पुलिस में एक ऊंचा ओहदा मिल जाए तो मैं करूंगा। उसके बाद से मैं लगातार आंसू पोंछने का काम कर रहा हूं, किसी भी गरीब के साथ, कमजोर के साथ अन्याय मैं देख नहीं पाता हूं, और मेरी जो भी पोस्टिंग रही है बहुत चैलेंजिंग रही है। ये काम भली भांति मैं करता आ रहा हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इसको मैं अपने पर्सनल पर लेता हूं, और मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाया भी है कि यू बिकम टू मच पर्सनल, लगता है कि तुम्हारे साथ ये घटना घटी है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि मेरे साथ घटना घटी है, मर्डर हुआ तो मुझे लगता है मेरे आदमी का मर्डर हो गया, डकैती हुई तो लगता है मेरे आदमी के साथ डकैती हो गई, बस ये फीलिंग है, अच्छी हो या खराब हो। जी जी, बताएं। जिस तरह से आप बताए कि मर्डर केस इत्यादि सॉल्व करते, तो इसमें कई बार होता है कि दुश्मनी भी हो जाती है और कई बार पर्सनल जान को भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर परिवार इत्यादि। तो इस तरह में जो चुनौतियां आती है उसका सामना आप किस प्रकार करते हैं? देखिए हमारा क्या है, हमारी जो संख्या है ना वो घटने वाली नहीं है, हमारी संख्या बढ़ेगी, इसलिए कोई भी क्रिमिनल हमलों से नहीं जीता आज तक, कोई भी मैं बोलता हूं नहीं जीता, क्योंकि उनकी संख्या घटने वाली है। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं, मैं लीगल काम कर रहा हूं, मेरे साथ कानून की ताकत है, इसलिए हमें कहीं दिक्कत नहीं हुई। बड़े बड़े डॉन्स आए सामने में और या तो आत्मसमर्पण किए या फिर पकड़े गए, कुछ लोग मारे भी गए। जी ऐसे कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। जी, लेकिन अभी जैसे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली पर, और ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस पर कार्य का बोझ भी अधिक है। तो एक तरफ जनता में असंतोष पुलिस को लेकर के एक असंतोष भरा उनसे सवाल का जवाब मिल रहा है कि पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर पा रही, या फिर उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप किस प्रकार इसको देखते हैं और किस प्रकार इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, और जनता को किस प्रकार से आप आश्वासन दीजिएगा कि हाँ, पुलिस सही से काम कर रही है, और किस प्रकार उनका सहयोग चाहते हैं आप? देखिए इसको कई नजरिए से देखना पड़ेगा, ये मैं देख रहा हूं कि पुलिसिंग सुस्त हुई है, कमजोर हुई है। अब कारण जो भी रहा हो, जो हमारे हीरोज हुआ करते थे पुलिस में, वो हीरोज अब नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारे हीरोज हुआ करते थे, जैसे डॉक्टर अजय थे या फिर एस राजन साहब थे, या अभी प्रेजेंट में आर एस भट्टी साहब हैं, या विनय कुमार साहब डीआईजी हैं, ये लोग हीरोज हुआ करते थे। आज के लड़कों में ये कमी देख रहा हूं मैं, हीरोज नहीं है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, तो हीरोज की कमी है। और इसके बाद परसेप्शन जो है ना, और करीब 1500 से 2000 लोगों पर एक पुलिस वाला पड़ता है, समाज में जागरूकता बढ़ गई है, और क्राइम की तरफ भी लोग बोलेंगे या फिर जो भी कारण हो, क्राइम की तरफ भी कुछ रुझान है लोगों का, लेकिन सही पुलिसिंग से ही इसका निदान हो सकता है। सही पुलिसिंग करना, थोड़ा सा परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सपोज आपका हाथ टूट गया है, ठीक, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, दर्द से करा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मालूम नहीं हाथ का क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपके लिए नई चीज है, जिंदगी में पहली बार आपका हाथ टूटा है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये रोज की बात है, कंपाउंडर के लिए ये रोज की बात है। तो परसेप्शन जाकर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन जो हो जाता है, इससे जाकर लोगों में असंतोष बढ़ता है। पब्लिक को अगर लगे कि मैं उन्हीं का काम कर रहा हूं, तो पब्लिक कभी नाराज नहीं होगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और तुरंत करना चाहिए। हमारे साथ थोड़ा सा है विरोधाभास पुलिस में है, अभी जैसे आप देख रहे हैं कोई घटना घट गई, जो जागरूक पुलिस वाला है वो पहुंच गया, अकेले पहुंच गया, एक दो लोगों के साथ पहुंच गया, और कई बार देखते हैं कि पुलिस पर पब्लिक ने अटैक कर दिया, पुलिस वाले की पिटाई कर दी। देर से जी, गया तो अलग कारण, देर से आई पुलिस, आधा घंटा में आई, 1 घंटा में आई, 2 घंटा में आई, इसी चीज को जो आदमी इसका निदान कर लिया वो सक्सेसफुल ऑफिसर बन गया। यही चीज उनको परसेप्शन लगना चाहिए।
जो अटेंडेंट्स जो है पेशेंट्स के, वो जाकर डॉक्टर पर और स्टाफ पर क्यों अटैक करते हैं, ये देखना पड़ेगा। उनको लगता है कि हमारी चीजों को ये सीरियसली नहीं कर रहे हैं। द सेम थिंग हैपेंस विद द पुलिस। उनको लगता है कि भाई मैं परेशानी में हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मोबाइल पे बात कर रहा है सपोज। ये इस चीज को हमारे लोगों को घटाना चाहिए, घटाना और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत जितनी जल्दी हो। हम लोग भी ऐसी नौबत आई है कि मेरे जो गार्ड्स रहते हैं हमेशा 24 घंटे रेडी वाली हालत में, बस बोला जो जिस हालत में हथियार उठाया और चल दिया। ऐसा भी हुआ कि नीचे पैंट पहने हुए ऊपर बदन खुला हुआ है, या गंजी और लुंगी पहने हुए बट हाथ में हथियार है और मन में ड्यूटी करने की इच्छा है। इसलिए जन समर्थन हमें हर जगह बहुत मिला। मैंने बड़ी मुश्किल जगहों पर नौकरी की है, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद, अरवल, ठीक है, बगहा, सारे नोटोरियस जगह है, समस्तीपुर, इजी जगह कोई भी नहीं, एक भी इजी जी जगह नहीं। इसलिए आपको पब्लिक को लगना चाहिए और आपको भी ऐसा शो करना चाहिए कि मैं उन्हीं का काम कर रहा हूं। और सही बात यह है कि जनता के हम लोग सेवक हैं, उन्हीं का काम करना है, इसीलिए तनख्वाह मिलती है। जी एक सवाल आ रहा है हमारे दर्शक है पीयूष परमार जी, उनका सवाल है क्या मुस्लिम होने के कारण क्या आपको कभी भी पुलिस विभाग में कभी असहज महसूस हुआ है, क्योंकि आजकल धार्मिक कभी भेदभाव चरम पर है। नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं नहीं नहीं, ये समाज है, देखिए समाज है, समाज को मिलकर रहना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ही समाज है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम लोग सेवक हैं, सबके सेवक हैं। और बिल्कुल ये बात नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई, जनता ने हाथों हाथ लिया है। मैं यहाँ पर 14 साल पहले था, बगल में बाढ़ में 14 साल पहले था, ठीक है, आज भी वहां के लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं कि नहीं 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 ठीक है, उनका अपार समर्थन मिला है मुझे। इसलिए इस इलाके में मुसलमानों की आबादी एकदम कम है, नगण्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम हिंदू क्या होता है, पुलिस वाले हैं, सबके जी सेवक हैं, सबकी सेवा करनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, धर्म एक अपने भगवान को ईश्वर को पूजने का बस तरीका है, और समाज में हम सबको मिलजुल कर रहना है। सर जैसे कि आपने अभी बताया एक हवलदार अपनी ड्यूटी के बारे में बताया, तो इसी पर एक अभी मुंगेर के बरियारपुर थाना में एक केस हुआ है, होमगार्ड एनकाउंटर हुआ है, तो मैं और उनके जो परिजन हैं वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पुलिस द्वारा किया गया है, तो मैं चाहूंगी आप इसे थोड़ा विस्तार से बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। ये घटना आपको 4-5 रोज पहले की घटना है। जी इसमें क्या हुआ कि एक रात में 12:15 बजे रात में थाना में गोली चली। गोली चली तो हमारे जवान जो रहते हैं बैरक में रहते हैं, तो एक दूसरे को देखा, कोई गोली का ये नहीं था, फिर दूसरी गोली चली, तो लोग जाकर पोजीशन लिए तुरंत तुरंत। संतरी तो रहता ही है, उसने पोजीशन ली और लोगों ने, और संतरी ने हल्ला ये किया। बरियारपुर जो है नक्सल इलाका है, बगल से नक्सल इलाका शुरू होता है, तो जो संतरी ने चेतावनी दी जाकर, ठीक है, सब लोग जाकर अपनी अपनी जगह पकड़े, और इसके बाद लोगों ने फिर गोली चली। लोगों ने लोकेट किया कि गोली टॉयलेट, सेटअप टॉयलेट्स हैं, 6 टॉयलेट्स हैं वहां पर, वहां पर से गोली चल रही है, वहां पर से गोली चल रही है। तो लोग उधर कंसंट्रेट हुए, अंधेरा था वहां पर, गाड़ी की रोशनी वहां पर डाली गई और उनको सरेंडर करने के लिए लगातार बोला जाने लगा, पता नहीं चल रहा था कौन है। जब रोशनी डाली गई तो आदमी टॉयलेट में घुस गया। धीरे फिर गोली अंतराल में चली, तो लोगों ने तुरंत सूचना दी कि पहले तो ये हुआ कि थाना पर अटैक हो गया है, फिर यहाँ से एसपी साहब ने तुरंत डीएसपी को भेजा, अगल बगल के थानों को भेजा, ये लोग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर वहां एसपी भी गए, तो इसी में लोगों ने सरेंडर, जब उधर से गोली चल रही थी तो फिर इधर से भी जवाबी गोली चली, और गोली चली, कुछ लोगों ने गोलियां चलाई, फिर हुआ कि आदमी गिरा, गिरा तो फिर ये लोग पोजीशन लेते हुए नजदीक पहुंचे,
कुछ भी पहचान नहीं हो रही थी। उसके बाद जो मुरेठा बांधा हुआ था, मुरेठा जब हटाया गया तब पहचान हुई कि ये तो इसी थाना का होमगार्ड है जो 3 हफ्ते पहले यहाँ आया था। मानसिक परेशानी थी, रिलेटिव्स के पास जाकर ऑडियोस हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमको मार देगा या कस्टडी में ले लेगा। वो क्या खतरा है ये नहीं बता रहे थे, ऐसा नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे हमारी जान को खतरा है। लेकिन जो पोजीशन बनी थी उसमें आप हथियार से गोली चला रहे आदमी को कोई दूसरा साधन नहीं है पकड़ने का, आप उसमें सट नहीं सकते हैं, गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। एक ही गोली लगी है उनको, मृतक को, और पहचान बिल्कुल नहीं हुई कि ये होमगार्ड है। जी अच्छा जी, बात करें यदि मुंगेर की, तो मीर कासिम के समय से ही यहाँ पर बंदूक निर्माण इत्यादि कार्य शुरू हो गया था, तो अभी भी यह जारी है। और सबसे बड़ी चुनौती अभी वहां पर यही है पुलिसों के सामने कि बंदूक तस्करी, हथियार तस्करी को रोका जाए। इनके कारण जो आरोप हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं लोगों पर, पुलिसों पर, कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं है जिम्मेदार उन पर आरोप लग जाते हैं, केस इत्यादि हो जाते हैं, तो ऐसे में भी बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति को आप किस प्रकार देखेंगे? ऐसा अभी भी एकदम बहुत बिल्कुल नहीं होगा। जो निर्दोष है उनको केस में नहीं डाला जाएगा, नहीं ढोया जाएगा, बिकॉज आई एम द डीआईजी हियर। अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। जो इस धंधे में लिप्त है उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। मेरे आने के बाद भी 2-3 खेप हथियार पकड़ाए हैं, 5 पिस्तौल पकड़ाया है, हथियार पकड़ा रहे हैं। और बिल्कुल इस पर पहले जिस तरह से कार्रवाई हुई है, बाबूराम जी यहाँ पर एसपी थे चार्ज में, उनके टाइम में हुई है, या वरुण सिन्हा साहब थे एसपी, उनके टाइम में कार्रवाई हुई है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और किसी भी इनोसेंट को नहीं डाला जाएगा, बस मैं आपको एश्योर करता हूं इस बारे में। जी। एक दर्शक है प्रकृति बर्णवाल जी, उनका सवाल आया, सर आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जनता से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सिंसियर नहीं होते, कॉर्पोरेट नहीं करते। इनका सवाल यह है कि आप जनता से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किस प्रकार जनता का सहयोग आप चाहते हैं? देखिए, जनता सहयोग करती है, जनता को यकीन होना चाहिए कि उनकी बातें गुप्त रहेंगी, ठीक है। जनता बिल्कुल सहयोग करती है, और जनता की जो है वो आम जनता जो है, जो 80% 90% जनता है, वो जाकर आराम पसंद जनता है, ठीक है। वो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, तो जनता बिल्कुल कोऑपरेट करेगी। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि फ्रंट में आकर आपके साथ शाना बशाना मिलाकर लड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट चूंकि मोबाइल का जमाना है और मोबाइल आने पे बहुत सी बातें आ गई हैं, लाइव दिखाया जा सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, सबूत हो जाते हैं, इसलिए जनता से ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम मोबाइल पे करें, दिखावा नहीं हुए। क्रिमिनल से मुकाबला करना पुलिस का काम है। जनता जाकर हमें सिर्फ सूचना दे दे, सही सूचना दे दे, बस बाकी काम मेरा है। क्रिमिनल से लड़ना, क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जनता से सिर्फ सहयोग की उम्मीद करते हैं। अब तो ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल पे दे दे, ठीक है। बाकी जी जनता का अपना ये है, जनता मेरी तरह ट्रेंड नहीं है कि लड़े जाकर क्रिमिनल से ये करे, ठीक है, वो हमारा काम है, हम सिर्फ सहयोग की उम्मीद करते हैं। जी एक फिर से सवाल आया है प्रशांत जी का, क्या आप कभी हिंदू पॉलिटिकल भेदभाव का शिकार हुए हैं? अगर हुए हैं तो भेदभाव से अपने आप को कैसे बचाया है? इस पर भी सर अभी एक जवाब दिए हैं, लेकिन मैं आपका प्रश्न दोहराना चाहूंगी। ये पूछ रहे हैं, हिंदू पॉलिटिकल भेदभाव का शिकार कभी हुए हैं आप? मैं कभी नहीं हुआ, मैं आपको एश्योर करता हूँ, कभी नहीं हुआ। मैं अपने गोपालगंज के तजुर्बे पे बताता हूँ कि वहां मनदेव तिवारी जी थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, उनके लोग बोलते थे कि क्या बात है कि साहब जो भी बोलते हैं आप मान लेते हैं, हम जब सेवक हैं, सेवा करते हैं, तो कोई भी हमारे सामने पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और कोई जाति धर्म नहीं है, सबके सेवक है हम लोग।
और ईमानदारी से सबकी सेवा करना चाहिए। आम जनता जो है बहुत परेशानी में रहती है, इसलिए मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ और जनता से हमेशा मिलता हूँ। मेरे लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि सुबह शाम कुछ भी नहीं, हर रोज ऑफिस जाता हूँ मैं। अगर मुझे क्षेत्र में भी जाना है तो सुबह थोड़ा सा हो लिया या फिर शाम में रिटर्न में हो लिया, बट क्योंकि जनता बहुत कष्ट में रहती है, मेरी तरह गाड़ी से नहीं चलती है, और जो गरीब जनता है वो जाकर एक दिन की मजदूरी मार कर आती है मेरे पास, वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगी वो जनता, ये मुझे सोचना चाहिए। बोलता हूँ मिलने वाले कौन है भाई, मिला दो मुझे, फिर मैं अपना ऑफिस का काम करता रहूंगा। मेरे लिए ये हर दिन का काम है, बट उनके लिए स्पेशल काम है, उनकी सेवा करना, उनसे मिलना। जी, ऐसी कोई भी मुझे कहीं पर नहीं परेशानी हुई, किसी भी जिले में नहीं हुई। जी, हमारे दर्शक नीलेश पटेल जी हैं, वह कह रहे सर आपके सर्विस में अब तक की महत्वपूर्ण घटना कौन सी रही है? अभी तक के आपके सर्विस में महत्वपूर्ण घटना अभी तक कौन सी रही है? देखिए, मेरी कोई भी पोस्टिंग ऐसी नहीं थी जो कमजोर रही है। जी, कोई भी पोस्टिंग मेरी कमजोर नहीं रही है। मैंने हर जिले में हर जगह पे बड़ा बड़ा काम किया। जैसे मैं बताऊं, बगहा एसपी में था, ये झोला छाप डॉक्टर जो देखते हैं, मैं देखता हूं कि एक डॉक्टर पर लोग कार्रवाई करते हैं। मैंने 1.5 दर्जन डॉक्टर को जेल भेजा था, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर भी थे। झोला छाप डॉक्टर का इतना मिनेस है बगहा में, इतनी दहशत है उनकी और इतनी पकड़ है कि सरकारी अस्पताल से पेशेंट्स इनडायरेक्टली रेफर हो जाते हैं झोला छाप डॉक्टर के यहाँ। और वो अनपढ़ लोग, कोई जाकर नाई का काम करता था, कोई चूड़ी बेचता था, ये झोला छाप डॉक्टरी करते हैं। जिस ऑपरेशन को एक सिंपल एमबीबीएस के लिए मना है कि नहीं करेंगे आप, वो ये झोला छाप डॉक्टर कर देते थे। इसमें बहुत लोग मरे भी, और हर साल लोग मरते थे। जब एक औरत मरी तो मेरी नजर उधर गई, और आप पता कर लेंगे बगहा में पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक भी हॉस्पिटल नहीं बचा, सबको मैंने सील कर दिया। और करीब 1.5 दर्जन डॉक्टर्स को मैंने जेल भेजा। झोला छाप डॉक्टर थे, एमबीबीएस भी थे। एमबीबीएस का काम यह है, वो मोतिहारी में बेतिया में बैठे रहते हैं। बेतिया के एमएस थे डॉक्टर, मैं नाम भूल रहा हूं, मुस्लिम डॉक्टर थे, उनको मैं जेल भेजा था। बीबीएस भी नहीं थे, सब फर्जी था उनका, तो नील मैंने कर दिया। लाइकवाइज मैं जिस जगह पे गया, जिले में था मैं, एक भी क्रिमिनल ऐसा नहीं था। मेरे अंडर में 23 थाने थे, एक भी क्रिमिनल ऐसा नहीं था और एक भी नक्सल ऐसा नहीं था जिसको हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, नहीं किया, बता रहा हूं। ऑल इंडिया नंबर 4 थे जाकर जगदीश मास्टर, वो पोलित ब्यूरो के मेंबर थे। पोलित ब्यूरो इनकी सबसे ऊंची बड़ी होती है। ऑल इंडिया नंबर 4 थे, मैंने पकड़ा था। 34 साल से वो फरार थे, जगदीश मास्टर, टीचर की नौकरी छोड़कर ये नक्सल बन गए थे। उनसे बड़ा नाम बिहार में आज तक कोई नहीं हुआ, उसे पकड़ा था हम लोगों ने, आज भी जेल में है जगदीश मास्टर। ठीक है, तो कोई भी पोस्टिंग मेरी बेकार नहीं रही है, मैं बता देता हूं। जी, अभी तक जैसे आपने कहा नक्सलियों को पकड़ा है, देखा है, जाना है, तो आपके अनुसार से क्या कारण है कि जैसे आपने अभी बताया एक शिक्षक अपनी जो पढ़ा रहे थे वो छोड़ करके नक्सल बन गए, तो इसके पीछे क्या कारण है जो लोग इस तरह के देखिए, कार्य हाँ में ज्यादा शामिल हो बिल्कुल रहे हैं? सही सही आपने फरमाया जी। नक्सल जो है ना, ये विचारधारा है जी। 1967 से जाकर नक्सलवाड़ी से आपके बगल किशनगंज के बगल से शुरुआत हुई इसकी। चारू कानू सान्याल थे, चारू मजुमदार थे, इन लोगों ने शुरू किया था। ये विचारधारा था, 2004 तक इनकी विचारधारा थी। ठीक है, ये बोलते थे कि हम समाज में क्रांति लाएंगे, क्रांति जाकर बंदूक के बैरल से निकलेगी, समाज में जो ऊंच नीच है उसको खत्म करेंगे, गरीबों का शासन लाएंगे। लेकिन जैसे ही इनका जाकर दो धड़ा, जैसे एमसीसी और पीडब्ल्यूजी, पीडब्ल्यूजी आंध्रा में एक्टिव था, ये दोनों जब मिले तो फिर जाकर इन्होंने माओवादी बनाए। अब आज के नक्सल्स का कोई उसूल नहीं है, ये रंगदार हैं, ये लेवी वसूलते हैं, ये हर काम करते हैं, ये पैसे लेकर मर्डर करते हैं, ये डकैती करते हैं, ये रेप करते हैं, ये हर काम करते हैं। बट 2004 से पहले के नक्सल को देखेंगे आप,
वो कुछ भी नहीं करते थे। आप बड़े बड़े घटनाओं को देखेंगे जाकर, मैंने उन जिलों में काम किया है, सेनारी नरसंहार है, या फिर आपका ये है वो 62 लोग जो मारे गए थे, मियापुर नरसंहार है, ठीक है, किसी में भी जो नक्सलाइट्स ने किया, किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, किसी को नहीं मारा। इन लोगों ने एक ग्रुप ये करके, हत्या किसी की भी हो वो निंदनीय है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके सिद्धांत थे। ये डकैती नहीं करते थे, ये रेप नहीं करते थे, इनके क्षेत्र में अपराध नहीं होता था, कोई डकैती नहीं, कोई लूट नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं, ये लोग खुद सजा देते थे, कोर्ट लगाते थे, और जमीन के मामलात भी ये लोग सॉल्व करते थे। लेकिन जैसे ही ये माओवादी हो गए, इनका जाकर उद्देश्य भटक गया। अब ये हर काम कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लैंड माइंस इनके पास आ गया और हर काम कर रहे हैं। तो ये भटके हुए लोग थे, लेकिन अब ये आदतन मजबूर लोग हो गए, इन्हें अपराध करना, हर तरह का अपराध करना। अब भी इनके क्षेत्र में दुखद बात यह है कि इनके क्षेत्र में क्राइम होता है। अब यहाँ हमारे क्षेत्र में जमुई में पड़ता है जाकर, जंगल है जाकर लक्ष्मीपुर का, वहां नक्सल भी घूमते हैं, वहां डकैती भी होती है और वहां लूट भी होती है। इसलिए नक्सलिज्म का जो ये था वो खत्म हो गया है। अब कुछ नहीं, ये लेवी वसूलने वाले लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये नक्सल्स नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं। जी 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 आपने जिस प्रकार बताया कि इनका कोई नक्सलवादी एक विचारधारा जो सही है, लेकिन इस पद पर जो चल रहे हैं और भी आने वाले जो युवा है, हो सकता है भविष्य में इस पद पर चले, तो आप किस प्रकार इसको रोकना चाहेंगे, इसको कम करना चाहेंगे, या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में, या फिर किसी परिवार से एक यदि नक्सली अगर जाता है तो वो आगे जाकर के बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, तो इसको अभी रोकने के लिए आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर अन्य पुलिस सहकर्मी जो साथी है उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वह कार्य करे? देखिए, जो होना चाहिए हमारे विद्वान माननीय सीएम साहब ने वो कर दिया, आज नहीं किया है, आज से 15 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया है। क्षेत्र का विकास, सामाजिक न्याय, ये जो है ना उनका, ये जो अभी कल भी सीएम साहब गए थे यहाँ पर नक्सल इलाके में गए थे, उन्होंने वहां विकास की नदी बहाई है, नक्सल इलाके में सड़कें बनी, स्कूल्स बने, वहां के बच्चे पढ़ने लगे, वो फिर वहां पर जाकर जो अभी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जाकर एनएच वगैरह बन रहा, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिलने लगा। नक्सल कौन है? बेरोजगार आदमी है, गरीब आदमी है, वो जाकर पथभ्रष्ट आदमी है, उसे बताया गया कि आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, आपका राज होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट इतने सालों में कुछ हुआ नहीं। अब 67 देख लें आप जाकर, कितने साल हो गए, ठीक है, 53 साल हो गए, कहाँ सरकार आई, और क्या हुआ, लेवी के पैसे कलेक्ट करना है और इसको जाकर अपने हायर ऑफिसेस जो इनके आंध्रा में हैं और बंगाल में हैं वहां पर पैसे भेजना है, इनको क्या मिलता है? आप यकीन नहीं मानेंगे, मिनिमम मजदूरी जो है यहाँ पर 10,500 रुपये महीने है, मिनिमम मजदूरी, इन्हें 10,000 बहुत दूर, 2,000-3,000 रुपये मिलते हैं महीने के, ना इनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना ये बीवी बच्चों से मिल पाते हैं, ना ही कुछ समझ में आता है। एक मरतबा जब आ गया गलत इस आदमी तो फंस जाता है। इसलिए सरकार का बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, नक्सल एकदम अपने घटते ट्रेंड पर है। आप देख लें जाकर, नक्सल पहले भभुआ में कितना था, रोहतास में कितना था, औरंगाबाद में पूरा जिला नक्सल था, आज जाकर वहां पर 2 थाने रह गए हैं सिर्फ, गया में लिमिटेड 7 थाने रह गए हैं, जबकि गया में 43 थाने हैं, सिर्फ 7 थाने तक नक्सल सीमित रह गए हैं, वो भी घटता हुआ प्रभाव है। जमुई में जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है उसमें नक्सल है, या फिर ये बॉर्डरिंग इलाका जो है इसमें नक्सल है, लेकिन घटता ट्रेंड है। लोगों को समझ में बात आ रही है कि उन्हें जा रहा है, बिल्कुल कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लोग लेवी वसूलते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, बड़े नक्सल जो है जैसे संदीप यादव है, या और बड़े बड़े लोग हैं, निराला जी हैं, जो भी बड़े बड़े नक्सल्स के बाल बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, फॉरेन में भी पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो जो
मास है जनरल। दूसरी तरफ हमारी ऑफिसर्स से भी अपील होगी कि देखें कि नक्सल बनता क्यों है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा है कि आम जनता बहुत कष्ट में रहती है, बहुत कष्ट में रहती है, जी उनके कष्ट का निवारण होना चाहिए। जन अदालत नहीं लगती है, लेकिन जब लगती थी तब की बात बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पर हमारे सिस्टम में फेल्योर था। थाना उनकी बात नहीं सुन रहा था, ब्लॉक उनका काम नहीं कर रहा था, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, भाई भाई में झगड़ा हो गया, सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था समाज में, वो कूद कर नक्सल में चले जाते थे। अब वो ट्रेंड रुका है, न्याय जो है सामाजिक न्याय भी बढ़ा है। हमारा कोई भी भाई नक्सलिज्म की तरफ नहीं जाए, यहां न्याय हो। और ऐसा कोई भी मामला मेरे पास आता है तो मैं कॉग्निजेंस लेता हूं, कड़ी कार्रवाई करता हूं। जी बताएं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आम जनता बहुत कष्ट में रहती है और आप हर तरह से चाहते हैं उनकी मदद करें, लेकिन और भी जगह, बिहार में ही और भी जिले की बात कर लिया, फिर अन्य जगह जहां पर जनता यदि किसी थाने में जाती है अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी या तो नहीं लिखते हैं FIR, या फिर उन्हें कई प्रकार रोज आना जाना, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं दोनों को जागरूक करना चाहता हूं, जनता को भी और पुलिस वालों को भी। जैसे जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि आम जनता जो है ना, उन्हें जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं कुछ भी हुआ मेरा केस थाने में दर्ज होना चाहिए, जबकि सही बात नहीं है। केसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय। तो सिर्फ संज्ञेय केसेस जो होते हैं, जो मेनली सीरियस केसेस होते हैं, रिलेटिवली सीरियस होते हैं, वही वही थाने में हो सकता है, बट आम जनता को पता नहीं होता, इसलिए वो थाना में जाते हैं। जैसे जमीन का झंझट है, जमीन में झंझट हो रहा, बातावाती हो गई, या आपने किसी को गाली दे दिया, या आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, या आपने किसी को धमकाया कि जान मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है, इन सब चीजों के केसेस नहीं होते हैं। या किसी पति ने पत्नी को छोड़ दिया, ये सब नॉन कॉग्निजिबल केसेस होते हैं, ठीक है, पति ने पत्नी को छोड़ दिया तो नॉन कॉग्निजिबल, आम जनता को मालूम नहीं रहता। कोर्ट में दोनों तरह के केसेस होते हैं, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, संज्ञेय असंज्ञेय दोनों केस होते हैं। तो हमारे पास बंदिश ये है कि सिर्फ कॉग्निजिबल केसेस होंगे थाने में, जनता को पता नहीं, ठीक है, जनता को पता नहीं तो वहां पर परेशानी होती है। और उसके बाद जो है, जैसे पुलिस वाले को नॉर्मली ऐसा है 95% केसेस में कि अगर कॉग्निजेबल केस है तो SHA को तुरंत केस दर्ज करना चाहिए। मैंने कहा ना, जनता को लगना चाहिए कि आप उसका काम कर रहे हैं, जनता कभी भी निराश नहीं होगी, हताश नहीं होगी, पुलिस पर अटैक नहीं करेगी। बस यहां पर आपको फीलिंग देनी है और करके दिखाना है कि आप काम कर रहे हैं जनता, और आपके इलाके में, हमारे इलाके में, उस इलाके में हैं कमियां हैं, बट आप ऐसा सब जगह नहीं कर सकते हैं। बिहार में ज्यादातर जिले हैं जहां पर के ज्यादा अच्छा काम होता है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है SP की। देखिए, वन मैन शो है पुलिस, वन मैन शो, तमाम सिपाही से लेकर DSP तक सारे एक होते हैं। एक SP आता है जो काम करने वाला है, वो काम करने लगता है, एक्टिविटी बढ़ाता है, और देखिए सारे लोग दौड़ने लगते हैं, और वही एक इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है, आराम तलब हो जाता है, तो देखिए सारे वही लोग हैं सो जाते हैं। इसलिए वन मैन शो है, SP को एक्टिव होना चाहिए, SP को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जिम्मेवारी समझना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जनता बहुत कष्ट में रहती है, बहुत कष्ट में रहती है, अपना काम छोड़कर आती है आपसे मिलने के लिए, बस में खड़े होकर आती है, बस में ऊपर बैठकर आती है, बस में सीढ़ी पर लटक कर आती है, जनता उसकी सेवा होनी चाहिए, बस उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। जी बताएं। जी सर, आपने जिस तरह से बताया, काफी सही बताया कि जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो अगर सही दिशा में रहेंगे तो सभी एक्टिव रहेंगे। आपने SP के बारे में बताया, सभी ऊर्जावान रहेंगे, सभी कार्य करेंगे, तो ऐसे में
उनका भी जागरूक होना जरूरी है और जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। सर इसी बीच एक सवाल आ रहा है, सर आप पर कभी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का हमला हुआ है, क्योंकि आपने नक्सली क्षेत्र में काम किया है? AK-47 से हमला हुआ है आपको 2002 के अगस्त में। मोकामा में 3 आदमी बैठे हुए थे जाकर, उसमें एक हार्डेन क्रिमिनल था और मैं गया था सुबह 5 बजे। मैंने सुना था लोगों से, मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी, मैंने सुना था कि यहाँ पर लोग 47 लेकर बैठते हैं, यहाँ गलियों में और सड़कों पर लोग 47। तो मैं उनके मोहल्ले में गया था, मोलदिया टोला है, वो नागा सिंह का डेन था, उसका अगला मोहल्ला है शंकरवार टोला, वो सूरजवान जी का डेन। तो मैं गया था और 100 मीटर मुश्किल से गया था कि वो 3 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से 47 बगल में रखे हुआ था, वो कूदा सड़क पे, तुरंत गली पर मुड़ा और उसने 47 पूरी खाली कर दी मेरे ऊपर, गाड़ी पर चला दिया। वो जितना मुड़ पाया था उतना चला पाया, ठीक। उसके बाद कूद कर हम लोग गए, वो जो बाकी 2 लोग थे उनको पकड़ लिया। हमारे पास नया नया होने के नाते बहुत अच्छे हथियार भी नहीं थे, सिर्फ एक कार्बाइन था, वो मेरे पास सिर्फ पिस्टल था, तो हुआ था। उसके बाद कई मुठभेड़, मैंने 50 से ज्यादा इनकाउंटर किया है, मोर देन 50। तो बपुर और बघेला थाना रोहतास का लूट कर जब नक्सल आ रहे थे, 102 उनकी संख्या थी, 2 थाना लूटा था, 6 लोगों को मारा था इन लोगों ने, उनसे मैंने मुकाबला किया था सोन नदी के इसमें बेड पर। वो लोग जाकर उधर गन्ना साइड में थे, हम लोग सोन नदी के इसमें थे, और उस वक्त काफी कम से कम मालखाना से लूटे हुए 8 हथियार, हर तरह गोला बॉम्ब, उसके बाद आपको सब सब हथियार मैंने उनका ये किया था, बरामद किया था, और नक्सल्स के पैर उखाड़े थे। तो एक नहीं 50 से ज्यादा मुठभेड़ मैंने किया है और जानलेवा कई बार हुआ। बस सबसे नियर जो था वो मोकामा में था, जो 47 चलाया हम लोगों के ऊपर में। जी 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 सर, काफी जी चुनौती श्वेता भरा बताएं। कार्य है और इसमें बहुत जी सर जी बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो कभी आपको इस प्रकार लगा कि काफी काफी समस्याएं आ चुनौती रही है? भरा काम है, जी और मैं उस इलाके से आता हूं जहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, बहुत ही अच्छा समाज जी है हमारा, हिल मिल के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ कम्युनलिज्म टाइप की चीज नहीं है हमारे 4 जिले में, ठीक है वो है, लेकिन मुश्किलें इतनी बढ़ी रहा और काम आसान होता चला गया। आज भी मैं किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी हूं, कर रहा हूं और करूंगा। जी सर, जिस तरह आप जैसा कि आप अररिया से आते हैं, तो अभी उस समय के अररिया जब आपने पढ़ाई शुरू की थी और अभी के अररिया में आप क्या अधिक परिवर्तन देखते हैं युवाओं में या फिर जागरूकता में, और क्या कमियां खास अभी आप अपने अनुसार देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार में एजुकेशन काफी तेजी से बढ़ा है और यहाँ के बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। आप हमारे एक मोहल्ला आश्रम मोहल्ले में अररिया में 5 IAS हैं, हमारे यहाँ के ही आपको अहसन रजा साहब हैं जो आंध्र प्रदेश में जाकर DG हैं, और कैसर खालिद साहब हैं मुंबई में जाकर वो IG हैं, जी तो काफी अच्छा। और बिहार का फ्यूचर है वो इलाका, पटना से बहुत दूर जरूर है, पहले इंस्टीट्यूशंस नहीं थे वहां पर, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है, तो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो नई नई बसें चलती थी वहां पर, और इसके बाद फिर देख ही रहे हैं आप, सीमांचल अभी ट्रेन चल रही है, तो विकास तो हुआ है, विकास होगा, और युवा काफी अच्छा करेंगे, पोटेंशियल है अच्छा करने की, इलाका बहुत अच्छा है, शांत इलाका है, और वहां के लड़के बाहर जाएंगे तो
बिल्कुल अच्छा करेंगे, कर ही रहे हैं बिल्कुल जी। बताएं जी सर, जी सर आपने बहुत अच्छा बताया। कैजर खालिद सर सर के बारे में बताया, उनसे भी पिछले सप्ताह बात हुई थी, तो अररिया के विषय पर ही हुई थी, तो उन्होंने भी खूब उस समय के अररिया और अभी के अररिया के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण बताया। सर जी। अब थोड़ा बात करते हैं आपके विषय पर, यूपीएससी में जो आपका विषय रहा था, मैं जानना चाहूंगी आपने किस विषय से यूपीएससी की परीक्षा दी थी। जी मेरे दो सब्जेक्ट थे, मेरा एक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ऑनर्स है ज्योग्राफी है, दूसरा सब्जेक्ट मेरा पर्शियन था, उसको भी मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है जी। बताएं जी, शुरुआती यूपीएससी की पढ़ाई में आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कोचिंग ली थी या फिर खुद से तैयारी नहीं, शुरू की कोई थी। कोचिंग नहीं ली थी मैंने, कोई भी कोचिंग नहीं ली थी जी सर, वर्तमान में जो जी। भी विद्यार्थी अररिया बिहार से या फिर देश भर से जो आपको सुन रहे हैं, अभी हमारे बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार वह आप उनका मार्गदर्शन करें। करना पड़ेगा, जो बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप मास्टर्स के लिए नहीं जाएं, एमए नहीं, एमए एमएससी नहीं करें आप, वो ईमानदारी से 2 साल आप सिविल सर्विसेज को देंगे तो आप जरूर करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो आपको आपके टाइम टेबल को सुधारता है ठीक है, और कई चीजों को जिनको आपको आज इंटरनेट है तो आज हर चीज अवेलेबल है आपके। मान लीजिए सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू चल रहा है ठीक है, जी कल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस क्वेश्चन पर ज्यादा ये रहता है उनका स्ट्रेस रहता है, तो ये बताएंगे वो लोग, बताते हैं क्या जवाब होना चाहिए। आप अगर मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगा कि मॉक इंटरव्यू जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास सिविल सर्विसेज आप करना चाह रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपके पास हर टॉपिक पर नोट्स होना चाहिए, वहां पर आंसर लिखना आपको, टू द पॉइंट लिखना है, आप इधर उधर ये यूनिवर्सिटीज की तरह कुछ भी लिख कर चले आएंगे, 6 पन्ना लिख दिया तो नहीं आएगा, यू विल गेट सिंपल पर टू द पॉइंट। अगर आपको टाइम नहीं बचता है तो आप सिर्फ पॉइंट लिख दें, आप उसको डिस्क्राइब नहीं करें, पॉइंट लिख दें, यू विल गेट फुल मार्क्स, मोस्ट फुल मार्क्स, और आपके पास अगर नोट्स हैं तो उसको इम्प्रूव करते रहें, सिलेबस जो है डे बाय डे टफ मटेरियल्स आपको मिल जा रहे हैं, टॉपर्स के मटेरियल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स, मार्केट में मटेरियल्स, बहुत ज्यादा मटेरियल्स हैं। 2 साल जो आप एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, आप नहीं जाएं, आप बैठ जाएं, अगले साल आपको देना है, जैसे इस साल किसी को जाकर ये करना है, मई में जाकर अभी बीए होगा, पीटी होगा, तो आप जाकर जो पढ़ाई शुरू करते हैं, सपोज जनवरी से शुरू करते हैं, तो आप अगले साल देंगे एग्जाम तो इस साल शुरू करें, सेम पैटर्न, एग्जाम इस साल नहीं दें बट तैयारी सेम करें, और आपको अंदाज लग जाएगा आज जो क्वेश्चंस हैं जाकर करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो करंट अफेयर्स पे अगर आपकी मास्टरी होगी, हर सब्जेक्ट में रुझान करंट अफेयर्स की तरफ जाता है, करंट अफेयर्स आपका मजबूत होना चाहिए, बस जी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, करंट इसी पर दबाव जी आता है, क्वेश्चंस आते हैं वही आप तैयारी करें, और जी मटेरियल सर आपके पास है एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जाने की, और मटेरियल्स है लेकिन आप अपने अंदाज से नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, अप टू द मार्क नहीं हो पा रहे हैं, देन ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको अप टू डेट कर देगा, आपके टाइम टेबल को सुधार देगा, वो भी जरूरी चीज है, आपको गेज कर देगा कि आप कहां पर हैं, आपको कहां जरूरत है जी। जी अभी के दौर में बात करें तो जिस प्रकार इंटरनेट आ गया है, तो मटेरियल की बात करें तो ढेरों मटेरियल अभी छात्रों के पास रहते हैं मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से, तो ऐसे में विद्यार्थी कैसे एक सही मटेरियल चुने और एक सीमित पढ़ाई करके उसे दोबारा रिवीजन करके एक अपनी तैयारी को जोड़ दे। बता रहा हूं जैसे आप ये कर रही हैं, सब्जेक्ट है आपका,
सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में वही रखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट रहेगा तो याद होगी, याद होगी तो लंबे टाइम तक बात याद रहेगी, जब याद रहेगी तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपका माइंड है जैसे ज्योग्राफी टाइप का, ज्योग्राफी आपको अच्छा लगता है और आप केमिस्ट्री शुरू कर दें तो आपको पढ़ने में आपका मन ही नहीं लगेगा, जब मन नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है याद नहीं होगी। हिस्ट्री में आपको डेट्स याद नहीं रहते, ठीक है, प्लेसेस याद नहीं रहते तो आप कहाँ से करेंगे, तो आप बेकार ही है। आपका ब्रेन अगर है फिजिक्स टाइप का, फिजिक्स में आपकी दिलचस्पी है तो आप फिजिक्स ये करें। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, कौन सब्जेक्ट आप रखते हैं, अभी तो वन सब्जेक्ट का टाइम है तो कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां कुश्ती लड़ने का तो है नहीं कि आप कुश्ती लड़ रहे हैं कि ये करना है, वहां सब्जेक्ट आप ऐसे लें जो, दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेफ सब्जेक्ट, ठीक है, कि आप सेफ सब्जेक्ट हैं, दूसरे टाइप के होते हैं जाकर कि वो जुआ टाइप के होते हैं कि उसमें चल काफी मास आ रहे हैं, जैसे सोशियो का टाइम था, एंथ्रो का टाइम था, ज्योग्राफी का टाइम अब उतर रहा है, ठीक है, आज भी सोशियो का टाइम है, अभी इस तरह से टाइम होता है। तो सब्जेक्ट जो है ना वहां बहादुरी है करना, अड़ने का नहीं है कि नहीं मैं ये इस सब्जेक्ट से ही करूंगा, नहीं, अड़ने का नहीं है। जब आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो हार्डली आपको कोई पूछता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, आपने संस्कृत रख के किया है या क्या किया। अपना इलाका जो है जहां मैथिली लोग समझते हैं, तो मैं मशवरा दूंगा कि सिविल सर्विसेज के लिए मैथिली आपका ऑनर्स होना जरूरी नहीं है। मैं बच्चों से कहूंगा आप मैथिली सब्जेक्ट रखें, काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, डोंट गो फॉर सोशल साइंस और नेचुरल साइंस, बट इसमें जाइए आप, काफी अच्छा। जी सर, ये जो सब्जेक्ट आपका है श्वेता, ये आपको लीड देता है, सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये लीड देता है। सिविल सर्विसेज में है जाकर वो, चूंकि कॉमन, सॉरी, जनरल स्टडीज, वो सबको देना है, इससे सबको लिखना है, जी वहां आप लीड मुश्किल से ले पाएंगे, बट आपका सब्जेक्ट जो है ना ये आपको मार्जिन देता है। जैसे 600 जी नंबर का पहले बिल्कुल होता था, एक 500 नंबर का होता है, तो 600 नंबर में जो है जिसने 350 स्कोर कर लिया, अब उसको दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, अब वो एवरेज नंबर ले आएंगे बस हो जाएगा उनका। तो मैं बोलूंगा आप मैथ सब्जेक्ट ऐसा रखें जो इंटरेस्ट जिसमें आपका हो, ठीक है। मैंने भी मैथिली का देखा है सिलेबस, ठीक है, बहुत अच्छा है, कवरेबल है, ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए अपने क्षेत्र के लड़कों के लिए मेरा ये एडवाइस। जी सर, जी बताएं। जी सर, अंत में मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो प्रेरणा होते हैं, प्रेरणा कोई आइडियल रहता है उनको फॉलो करते हैं, उनके नोट्स को वो फॉलो करते हैं, तो ये मतलब कहाँ तक सही है? उन्हें अपना खुद का मटेरियल बनाना चाहिए, खुद का नोट्स तैयार करना चाहिए, या फिर पहले से जो बनाए गए हैं उनको ही उनके नहीं, द्वारा मैं सुझाया डिफर जाए? करूंगा यहाँ पर, देखिए आपके पास नोट्स होंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी है नोट्स होना चाहिए, आप में मेरिट है। जैसे आपको डी ग्रेड नोट मिल गया, एक सी ग्रेड नोट मिल गया, नोट क्या होता है, हर नोट का एक पैटर्न होता है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, ओपनिंग पैराग्राफ, वो इंपॉर्टेंट है, वो दैट शुड बी द जिस्ट ऑफ होल राइटिंग, जो आंसर आप लिखते हैं जो है वो एक छोटा सा कंक्लूजन होना चाहिए। ओपनिंग जो है वो इंटरेस्ट जगाता है, ओपनिंग आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, और हर नोट का एक पैटर्न होता है, ओपनिंग होता है, उसके बॉडी होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो उसको आप सुधारें। जिस तरह सर ने बताया कि वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और अररिया क्षेत्र
के लोगों के लिए सर ने सुझाया कि आप यदि मैथिली चूज करते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सर ने बहुत सारी सवालों पर, बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया जो कि काफी सार्थक रहा। और अंत में मैं आप सबको यह कहना चाहूंगी कि आपने जो भी सवाल के जवाब सर से पाए हैं उस पर अमल करें, क्योंकि सर एक बहुत ही सफल अपने जीवन में रहे हैं और अभी भी जो कार्य कर रहे हैं वह काफी सफलता पूर्वक कर रहे हैं। सभी दर्शक को जुड़ने के लिए हमारे साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। और भी हमारे साथ ऐसे सेशंस आते रहेंगे, आप बने रहें और सरल भारत के इस सेशन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।